बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जुलाई 10th और मैं आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट अपडेट। कल हमें काफ़ी बुलिश ट्रेंड नज़र आया था और जो इंडेक्स है उसने बाय नून टॉप कर दिया था और उसके बाद हमें मल्टीपल वेव्स में अप एंड डाउन कर्व्स नज़र आए थे और थोड़ी सी इंडेक्स की बीच में एडजस्टमेंट भी हुई थी, लेकिन नंदलेस उसने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज किया था। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमें 600 मिलियन की वॉल्यूम ट्रेड होती नज़र आई और सबसे ज़्यादा पैसा जो कल फेवरेबल दिन था और पैसा बनाया वो डे ट्रेडर्स ने था, जो कि मेरे और आप जैसे लोग हैं। और हम अगर ज़रा स्पेसिफिकली देखें तो इन द लास्ट 30 मिनट्स 40 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और इन द लास्ट 5 मिनट्स बिफोर द डे क्लोज्ड 15 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिला डे को और इंडेक्स किस तरह राइड कर रहा था अपनी वेव को, फिर नीचे आया, फिर उसने एडजस्टमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम करंट बात करते हैं तो IMF के टॉक्स शुरू हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटीरियर के साथ, जो कि फेवरेबल जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे टैक्सेस को लगाया है जो IMF जिनको चाहता था। और साथ ही साथ जो फॉरेन डिविडेंड्स हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी फेवरेबल हमारे हक में जा रहा है। जून की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द लास्ट मंथ था वो पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र ने कल नॉर्मल परफॉर्म किया, ज़्यादा करेक्टिव था, बूस्ट नहीं उसने लिया। रिफाइनरी को इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर सका जिसना वो पिछले 3-4 दिन कर रहा था। अगर आप मेरी पास्ट की वीडियोस देखें तो उसमें मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी, बैंकिंग के बारे में। और लेकिन ऑटो सेक्टर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये रैली दे रहा है, अभी भी इसमें मोमेंटम है। और जिस आप मेरी लास्ट 3-4 डेज की वीडियोस को देखेंगे उसमें मैंने ऑटोमोटिव सेक्टर की जो रिपेयर वाली कैटेगरी है, जो पार्ट्स वाली कैटेगरी है, उसका बारे में मैंने बात की है। सीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे उसने कोई अच्छी हमें मोमेंटम नहीं दिया, नेगेटिव्स में था, लेकिन आफ्टर लंच ब्रेक उसने थोड़ा सा बूस्ट लिया और जंप मारा ऊपर को। अगर हम कुछ बात करते हैं तो आप बैंकिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे आप फोकस करें और हबीब बैंक पे करें, अस्करी पे करें। फैसल बैंक अब ज़रा बैठ चुका है, मतलब अपनी सॉलिड उसने प्लेटो हिट कर दिया है। अच्छा, जो कुछ मिसलेनियस शेयर्स थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक दो वीडियोस में शेयर किया था जिसमें आपके हो गया के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक हो गया, आपके पास हो गया हम टीवी हो गया, फिर आपके पास उसमें आता है एक और शेयर है साइनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड, ये नेगेटिव में ट्रेड हो रहे हैं आज, इनकी इनका सेल ऑफ काफ़ी आ रहा है। तो ये जो मिसलेनियस शेयर्स हैं ना, जो यकदम नज़र आते हैं और फिर बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखें तो नीचे जा रहे होते हैं, आपने इनसे अवॉइड करना है, ये हम जैसों के लिए नहीं है। तो बाकी ये है कि आप PIA होल्डिंग्स, यूनिटी फूड्स, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, इसके बारे में मैंने बात की हुई अपनी पास्ट वीडियोस में, इन पे फोकस रखें। और याद रखें ये बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आपने अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, अपनी जजमेंट के मुताबिक आपने बाय या सेल करना है, इन्वेस्ट या डाइवेस्ट करना है। आपको कोई क्वेश्चन हो रीच आउट टू मी। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।